शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी अपडेट के साथ। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोपहर 12 बजे पीसीसी में कांग्रेस की सदस्यता लेने की उनकी संभावना है। शनिवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फोन कर गुड्डू को भोपाल बुलाया। पिछले हफ्ते प्रेमचंद गुड्डू की पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हो चुकी है और लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस का दामन एक बार फिर से प्रेमचंद गुड्डू थाम सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से उनकी नाराजगी खास तौर पर सामने आई थी और इसके बाद से ही ये अटकलें बहुत तेज हो गई थी। हाल ही में गुड्डू ने फेसबुक पेज से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ ईद की बधाई दी थी, जिसके बाद इन अटकलों को और जोर मिला था। गुड्डू को सांवेर विधानसभा सीट से टिकट देने का जो इस वक्त कयास है वो भी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुड्डू सांवेर और आगर मालवा से दो बार विधायक भी रहे और ऐसे में आज ये बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, गुड्डू आज कांग्रेस में शामिल होंगे। देखिए, राजनीतिक जो समीकरण है वो बहुत तेजी से इस वक्त मध्य प्रदेश में बदलते हुए आने वाले समय में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अब ये जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर इन चुनावों पर भी असर डालेगा। प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू अपनी नाराजगी बीजेपी में रहते हुए जाहिर कर चुके थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ तुलसी सिलावट को लेकर अपने आक्रामक बयान सामने रखे थे, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे जवाब मांगा था। जवाब में प्रेमचंद गुड्डू की तरफ से कहा गया कि वो तो फरवरी के महीने में इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी से, जिसके बाद सीधे तौर पर ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि प्रेमचंद गुड्डू अब बीजेपी से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं। वो बिल्कुल मन बना चुके हैं कि अब वो बीजेपी खेमे में नहीं रहेंगे और इसी बात के बाद ये डिस्कशन शुरू हुआ कि अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, एक तरीके से लंबे समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी के, उस पर आज विराम लग सकता है? बिल्कुल, देखिए दोनों दलों ने तैयारी चुनाव को लेकर बहुत तेज तरीके से शुरू कर दी है और इसमें उन नेताओं की अहम भूमिका होने जा रही है जो किसी ना किसी रूप में बाय इलेक्शन में अपनी भूमिका रखते हैं। और प्रेमचंद गुड्डू की अगर हम बात करें तो वो सांवेर सीट से बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट को चुनौती देने में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं और सांवेर सीट प्रेमचंद गुड्डू की भी रही है, वो वहां से चुनाव भी लड़े हैं, तो ये एक अहम कड़ी रही है और यही वजह है कि प्रेमचंद गुड्डू पर लगातार कांग्रेस उनके साथ संपर्क में रही है। अभी इस तरह के कई पत्ते और खुलेंगे रोमिता आगे जाकर जी, और कांग्रेस की निगाह सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर है और उसे उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ सबको साथ लेकर चलना तो संभव हो नहीं पाएगा बीजेपी के लिए और कुछ ऐसे चेहरे जरूर सामने आएंगे जिनकी प्रतिबद्धता सिर्फ पावर को लेकर होती है और ऐसे कुछ नेताओं को वो फिर बीजेपी को झटका देकर अपनी तरफ खींच पाएगी। तो अब ये राजनीतिक खींचतान का ये दौर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे। बीजेपी कांग्रेस को लेकर हमलावर होगी, वो उसके नेताओं पर डोरे डालेगी और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को और अपने डीएनए वाले नेताओं को जो अभी बीजेपी में है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और उपचुनाव से पहले तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने भी आती हैं अक्सर। शरद जी, क्योंकि अब बहुत साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू आज लगभग 12-1 बजे पहुंचेंगे पीसीसी और उसके बाद शपथ उनकी तरफ से ली जाएगी, सदस्यता ली जाएगी, लेकिन इससे पहले हम ये भी माने क्योंकि सांवेर विधानसभा सीट की बात हो रही है और इस सीट पर अपना अच्छा खासा दखल वो रखते हैं, तो फॉर्मूला तय किया गया होगा टिकट का? बिल्कुल, देखिए तुलसी सिलावट एक बहुत अहम किरदार है इस पूरी जंग में और मैन टू मैन मार्किंग की तरह कांग्रेस जरूर उन बड़े चेहरों को घेरने की कोशिश करेगी जो सिंधिया समर्थक माने भी जाते हैं, बहुत मजबूती से रहे भी हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी जिन्हें दी गई थी, तो इन लोगों को घेरने की कांग्रेस की
खास रणनीति है, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हों, चाहे तुलसी सिलावट हों, इमरती देवी हों, प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, इन तमाम नेताओं को घेरने के लिए कांग्रेस स्पेशल अपनी एक रणनीति के साथ काम करने की कोशिश करेगी। तो ये प्रयास सांवेर को लेकर सबसे पहले सामने आया है और संयोग से प्रेमचंद गुड्डू जो दावा कर रहे हैं कि वो फरवरी में ही इस्तीफा दे चुके थे बीजेपी से, वो नाराज भी थे और बीजेपी में असहज भी महसूस कर रहे थे, तो ये सबसे पहला आप कह सकते हैं कि एक विकेट गिराने में कांग्रेस कामयाब रही है। हालांकि ये विकेट गिराना नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू मूलतः कांग्रेसी रहे हैं और ये माना भी जा रहा था कि बीजेपी में वो लंबे समय तक रहेंगे नहीं जब वो गए थे तभी, लेकिन अब राजनीति एडजस्टमेंट का एक बड़ा नाम हो गई है और बीजेपी भी अब इससे बिल्कुल परहेज नहीं करती कि चुनावी समीकरणों को देखते हुए वो तमाम दलों के लिए अपना दरवाजा खोल कर रखती है। तो अब चुनावी राजनीति में इस तरह की घटनाएं बहुत महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन चुनावी समीकरणों को और जीत और हार को प्रभावित करने में ये जरूर कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका होती है, जिसकी वजह से दोनों ही दल चुनाव के समय इस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल करने से बिल्कुल चूकना नहीं चाहते हैं। रोमिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि सक्सेना जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। उमेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना जी और उमेश जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। रवि सक्सेना जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से आज प्रेमचंद गुड्डू की एक तरीके से घर वापसी ही हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही उपचुनाव को लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस को हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरे जो हैं सीटों पर उतारे गए थे, चाहे इसमें हम अरुण यादव की बात कर लें या अजय सिंह की बात कर लें, तो क्या इसी फॉर्मूले के साथ इस उपचुनाव की रणनीति भी कांग्रेस तैयार कर रही है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है ये तो मैं आपको अभी आपके चैनल पे नहीं बता सकता, पर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम लगभग 20 से 22 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और उसी की कड़ी में अगर आप देखें तो प्रेमचंद गुट्टू जी तो कांग्रेस के मूलतः रहे हैं, किसी बात से नाराज होकर वो बीजेपी में चले गए थे जी। वो तो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र के और उस सावेर क्षेत्र से वो एक बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। निश्चित रूप से उनकी घर वापसी है और हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं बड़े चेहरों की, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आज गद्दारों ने कांग्रेस की सरकार की पीठ में छुरा भोंका है और जिस तरह से खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने डकैती की सरकार बनाई है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, भारतीय राजनीति में इससे गंदा उदाहरण आज तक कभी भी नहीं हुआ है जी। लोगों ने दल बदल किए हैं, गए हैं, ये तो जैसे हम फिल्मों में देखा करते थे कि किसी की हीरो की माँ को उठा के ले गया है, बहन को उठा के ले आए और फिर उससे कहा कि उसकी तिजोरी तोड़ के लाओ और नहीं तो तुम्हारी माँ का मर्डर कर देंगे। तो ये तो उसी तरह का काम है, 20-22 विधायकों को उठा के आप ले गए, उनको कहीं बंद कर दिया और फिर यहाँ चिल्लाने लगे काँव काँव करके। जी रवि सक्सेना जी, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आपने स्वागत भी किया है उनकी घर वापसी का, आप कितना इससे मुफीद मानते हैं कांग्रेस के लिए कि कितनी मजबूती गुड्डू के आने से कांग्रेस को मिलने जा रही है? नहीं देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि प्रेमचंद गुट्टू एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही अच्छे बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस पार्टी में को ताकत ही मिलेगी और उनका स्वागत हमने इसीलिए किया है कि वो आए हैं, मेरे भी अच्छे मित्र हैं जी, और हम मैं जब उज्जैन का प्रभारी था तो वो उस समय सांसद थे जी। निश्चित रूप से उमेश जी, जी जी उमेश जी आप सुन रहे थे यहाँ पर रवि सक्सेना जी को। अब हम ये माने कि सांवेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है डगर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, मैं उनके इस कांग्रेस प्रवेश पर उनको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और रोमिता जी, कुछ राजनीतिक मछलियां इस वृत्ति की होती हैं कि उनको खारे समंदर का जल रास नहीं आता है, वो हमेशा मीठी नदियों में ही तैरना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो गुड्डू जी जिस समय आए थे उनके लिए बहुत खुले रह जाए, हमने दरवाजे में प्रवेश कराया था,
उनकी अपेक्षाएं बड़ी थी और उन अपेक्षाओं की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी संगठन में व्यक्तियों की अपेक्षाओं की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। महाराज के लिए भी कह रहे हैं और जो 22 गद्दार गए उनके लिए भी यही डायलॉग है आपका। रवि जी मैं जब आप कह रहे थे और डाकू और चोर और फिल्म का मेरा तो सवाल है आपसे, आप मेरा सवाल पूछ रहा हूँ कि यही डायलॉग जो आप अभी बोल रहे हैं प्रेमचंद गुप्ता जी के लिए, क्या यही डायलॉग आप इन 22 गद्दारों के लिए मैं ये सवाल आपके तरफ से पूछती हूँ और जानने की हम कोशिश करते हैं कि उमेश जी जिस मीठे पानी का जिक्र कर रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उमेश जी पहले अपनी बात पूरी कर रवि सक्सेना जी मैंने आपको वक्त दिया। रवि सक्सेना जी, रवि जी उमेश जी आप अपने अपनी बात पूरी करिए फिर मैं रवि सक्सेना जी के पास जाऊंगी। उमेश जी, रवि जी मैं तो आपको बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहा था और एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है कि जो सामने वाले राजनीतिक दल के प्रवक्ता पूर्वक बोले। ठीक है उमेश जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। सवाल पूछा उसके जवाब देने में जवाब देने के लिए बात नहीं हूँ मैं, बंसल न्यूज के एंकर जी से बात करूँ मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे अपनी बात पूरी करी है उसके बाद में रवि सक्सेना जी के पास जा रही हूँ। उमेश जी लगातार मुझे सुनने में परेशानी आ रही है। चले मुझे लगता है कि शायद चलिए उमेश जी बोल पाऊंगा वो चुप हो गए। मैं बात संक्षिप्त में अपने विषय को समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी ने कहा है कि वो 9 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं। वास्तविकता ये थी कि जिस समय प्रेमचंद गुड्डू जी आए थे उस समय उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वापस सरकार बनाने जाएगी। उन अपेक्षाओं के साथ वे आए थे और जब उनका ये भ्रम जाल टूटा तो उनको लगा कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रवि सक्सेना जी आप अपनी बात रखें। मैंने आपको कहा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनके यहाँ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले जाएं तो उनका स्वागत कर देंगे, उस स्वागत में भाषण करते करते कह देंगे ये विभूषण है और ये हमारे यहाँ विभूषण आ गया, उसका वहाँ पे अपमान भी कर देंगे और फिर ये कहेंगे कि इसको तो हम बड़े स्वागत से लेके आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये इसी तरह से राकेश चौधरी को भी लेके गए थे, आज राकेश चौधरी जी वापस कांग्रेस के में आने के लिए खड़े हुए दरवाजे पे, इसी तरह ये 22 जो गद्दार है इनको भी लेके गए हैं और इनकी क्या दुर्दशा कर रखी है ये भी आपको मालूम है। वो बेचारे जो है दिन रात इनकी डेहरियों पे चक्कर लगा रहे हैं भीषण गर्मी में कोरोना के अंदर। रवि सक्सेना जी मैं इसमें थोड़ा सा आपको काउंटर ये करना चाहूंगी सर कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जाते हैं वहां पर उनकी दुर्दशा हो जाती है जो भी आपका आरोप है, लेकिन सर जब ये लोग जाते हैं तब आपकी तरफ से भी तो तलखी बढ़ जाती है ना सर, क्योंकि ये तो आपके अपने ही है जो जा रहे हैं, तो फिर उस वक्त क्यों इतनी मुखरता नजर आती है आपकी बातों में? नहीं देखिए मैं आपको रोमिला एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ये कोई सावधान विश्राम वाली पार्टी नहीं है, यहाँ पर ये प्रजातांत्रिक। रवि सक्सेना जी हम बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, बस मैं वाइंड अप क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, टिकट दिया जाएगा प्रेमचंद गुड्डू को? अब ये तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, ये रवि सक्सेना तय नहीं करते हैं, ये कांग्रेस की जो चुनाव समिति है वो तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। उमेश जी अगर टिकट दिया जाता है प्रेमचंद गुड्डू को तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर तो हम देखेंगे। रोमिता जी मैं बात संक्षिप्त में विषय को बाइंड अप करता हूँ। सामेर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राय बराबर भी चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय तुलसी सिलावट जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी सामेर का उपचुनाव प्रचंड मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए स्टैंड अभी भी वही है, दोनों ही एक दूसरे को चुनौती मानते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलते और बनते बहुत समय नहीं लगता है, इसलिए अभी इंतजार करना होगा। टिकट को लेकर बहुत स्पष्ट तौर पर अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया, लेकिन अटकलें जो लंबे समय से लगाई जा रही थी उस पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस के खेमे में शामिल होंगे।